गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले सबसे पहले बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पहले जान लीजिए। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरा नया जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसके हैं, किसको हैं। तो जैसे ax² + bx + c = 0 इक्वेशन है, इसलिए इक्वल में होगा, दो इसमें पक्ष होंगे और इसमें जिसकी सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले बात ये करते हैं कि देखिए, ये कभी भी जैसे ax² + bx ये हो सकता है कि आपका गायब हो जाए, यानी आपको bx = 0 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। और ax² + या इक्वल ये भी 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी a = इसमें 0 नहीं होगा, बाकी b = 0 हो सकता है और c = आपका 0 हो सकता है। और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होगी तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। और इसमें ये सब 0 हो सकते हैं, यानी इसका एक्स का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू 0 हो सकती है या कुछ भी ना हो तो भी, और ax² बस लिखा हो तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इसका जो बेसिक जो है वो ये है, इक्वेशन जो है ax² + bx + c यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक जो है फार्मूला होता है या बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और इसी को हमेशा देखना है। तो पूरे जो चैप्टर में है, पूरे सबसे पहली एक्सरसाइज में हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए है, तो जैसे चेक वेदर द फॉलोविंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट, इसमें चेक करना है कि ये सब जो दिए हुए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो आपको इस फॉर्म में उसको लाना है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इस फॉर्म में नहीं आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यानी वर्ग समीकरण इसको कहते हैं, वर्ग मतलब होता है सबसे बड़ी पावर 2, यानी आपको इस सबसे बड़ी पावर 2 के रूप में इसको लाना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि x + 1 की होल पावर 2, फर्स्ट नंबर x + 1 की होल पावर 2 = यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × x - 3। तो बुक अपने सामने रखिए और क्वेश्चन देखते रहिए, उसको क्वेश्चन देखिए। इसके बाद चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें फार्मूला अप्लाई होगा, a + b² = कभी भी ऐसा रहे तो मतलब ये होल स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर है। तो इसका फार्मूला होता है a² + 2ab + b². यानी हम इसको कैसे करेंगे, a की प्लेस पर x है और b की प्लेस पर 1 है, तो ये x + 1 का होल स्क्वायर = x² + 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर = इस 2 का इंटू इसमें करेंगे तो 2x - 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको x² + 2x + 1 इसको सॉल्व किए आगे, ये हो जाएगा 2x - 6। इन सबको इधर ले आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + 2x और ये इधर आ गया तो -2x + 1 + 1 + 6 = 0। तो देखिए ये x² + 2x में 2x कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा +7 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो इसमें ये देखिए ये इस फॉर्म में है ax² + c = 0। तो देखिए ax² तो है, इसमें a की प्लेस पर इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज ए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है या एक वर्ग समीकरण है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और कौन सा है। तो इसमें पूरे क्वेश्चन इसी तरह से हैं, तो आप देखिएगा इसमें कमेंट बॉक्स में अगर जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, अगर नहीं बनेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिखिएगा, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और आपको दोबारा मैं उसको अगला वीडियो जब भी अपलोड करूँगा तो आपको उसमें बता दूंगा। तो मेरे ख्याल से इसमें सबसे कठिन क्वेश्चन कौन सा होगा, सेकंड नंबर मेरे ख्याल से बन जाएगा, थर्ड नंबर भी बन जाएगा, फोर्थ नंबर, अब थर्ड फोर्थ इसमें से किसी एक को बता दो, तो फिफ्थ नंबर मैं बता देता हूँ, क्योंकि फिफ्थ नंबर और थर्ड नंबर दोनों सेम है, तो फिफ्थ नंबर बता देता हूँ, इसमें प्लस माइनस की दिक्कत होगी, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर बता देता हूँ, फिफ्थ नंबर क्या है, 2x-1 और x-3, फिफ्थ नंबर 2x-1 इंटू x-3 इक्वल टू x-5 इंटू x-1, ठीक है, x+5 इंटू x-1। अब देखिए इसको कभी भी ऐसे तो जो आपको बिनोमियल्स हैं ये, कि अगर इनका इंटू करना हो तो 2x का इंटू क्या करेंगे, x-3 में करेंगे, और इसी तरह से इस -1 का इंटू x-3 में करेंगे इक्वल, यही प्रोसेस इधर करेंगे, x(x-1) + 5(x-1) यही प्रोसेस इधर भी करेंगे। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2x² - 2 3 6x - x - इस साइन का पहले साइन के साथ इंटू किया करिए, ठीक है। तो साइन का साइन के साथ इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 × 3 इक्वल टू एक्स का इसके साथ, तो x² फिर इसका होगा क्या, -x फिर +5x - 5, ठीक है। अब सबको उधर वालों को इधर ले आइए, और जो 2x² आप देखिए x² इसमें है तो इसको इसके साथ रखिए, फिर ये देखिए -6x और x है तो ये कितना हो जाएगा -7x, और इधर का 5x और इसमें प्लस माइनस, चलिए एक बार ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आते हैं इधर, ठीक है। तो ये देखिए 2x² 6x और x क्या हो जाएगा -7x + 3, और इसी तरह से इक्वल में x² देखिए प्लस है, ये माइनस का 5x, प्लस का 5x है और ये माइनस का x है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, यानी ये कितना हो जाएगा +4x हो जाएगा और -5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2x² - 7x, अब इसके बाद इधर ले आइए 2x² में इधर ले आएंगे तो x² हो जाएगा, फिर -7x है इसको इधर लाएंगे तो -4x हो जाएगा, फिर इधर 3 है अब प्लस ला के 5 इधर इक्वल 0 कर दिए, यानी ये हो गया 2x² में x² माइनस हो जाएगा तो x² बचेगा, इसके बाद 7x - 4x - 11x और 3 5 8 हो जाएगा इक्वल टू 0 आएगा। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो ax² + bx + c के फॉर्म में है कि नहीं है, तो देखिए ये पूरी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यही चीज़ इसमें लिख देंगे कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से आप इसको सेकंड नंबर को भी सॉल्व करेंगे, थर्ड नंबर को भी सॉल्व करेंगे, और इसमें मेरे ख्याल से अब जो क्वेश्चन आपको टफ लगेगा वो क्यू में दिया हुआ है 7 नंबर, तो 7 नंबर इसमें बता देता हूँ मैं, x + 2 का होल क्यूब, लेकिन ये भी बन जाएगा कि नहीं बनेगा, 8th नंबर बता देता हूँ, 8th नंबर थोड़ा ज़्यादा टफ है, तो 8th नंबर बता देता हूँ, अच्छा चलो 7 बता देता हूँ, ठीक है। तो 7 ये बता देता हूँ, 7 नंबर बता रहा हूँ, 8th में क्वेश्चन आएंगे, जब कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा और जो लिखेंगे क्वेश्चन।
चलो एट बता रहे ना, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, आपको ये क्या करना है, एक्स माइनस टू का होल क्यूब, एक्स माइनस टू का होल क्यूब। देखिए सेवन्थ नंबर में भी यही है और एट्थ नंबर में भी यही है। अब क्यूब का फार्मूला लगाइए, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ठीक है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए बी का क्यूब, ठीक है, यहाँ पर बी का क्यूब, ठीक। इस तरह से भी आप किसी भी तरह से इसको करेंगे तो देखिए एक्स का क्यूब है यहाँ पर, एक्स का क्यूब है यहाँ पर, एक्स का क्यूब, तो देखिए एक्स का क्यूब, अब इसमें आइए आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, अब इसको एक्स की प्लेस पर ए है और बी की प्लेस पर माइनस टू है, तो आप इसमें ए की जगह क्या रखिए, एक्स का क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू टू प्लस थ्री एक्स इंटू, नहीं माइनस का आइडेंटिटी लगा रहे हैं ना इसलिए माइनस टू नहीं लिखेंगे, अगर प्लस की आइडेंटिटी लगाते तो प्लस टू लिखते, माइनस टू लिखते, ठीक है ना, माइनस की आइडेंटिटी हम ऑलरेडी यहाँ पर यूज कर ये देखते, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x और यहाँ पर b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, x का क्यूब माइनस 3x, 3 टू जा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर और प्लस 3x इंटू 4 माइनस 8, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3 फोर जा 12x माइनस 8, इधर जैसा है वैसा ही आप लिख दीजिए, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए x का क्यूब इधर है, x का क्यूब इधर भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बचा क्या, यहाँ पर बचा माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस एट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस फोर एक्स स्क्वायर इसको इधर ट्रांसफर करिए, प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और जब इधर आएगा ये ट्वेल्व एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दोनों पे जिनके वेरिएबल सेम हों और पावर सेम हों उनको एक साथ रखेंगे तो आपको कैलकुलेट करने में आसानी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा माइनस ट्वेल्व एक्स फिर प्लस वन और प्लस एट इक्वल टू क्या हो गया जीरो आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस फोर, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस थर्टीन एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस नाइन इक्वल टू जीरो और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर लिखोगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इसको आप ऐसा लिख लीजिए एक्स का क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा आपके सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको कैसे सॉल्व करना है ये भी पता चल जाएगा और इस तरह से आपको इसमें आइडेंटिटी लगानी है, आइडेंटिटी ये जो भी ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ये दोनों के इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी आप ध्यान रखिएगा और ये जो फार्मूले हैं ये हमेशा काम आते हैं, तो इन दोनों को तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद और प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इनको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है, बस इसको सॉल्व नहीं करना है, प्रेजेंट द प्रॉब्लम सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इनको उस फॉर्म में लाना है बस, और इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं, स्टेटमेंट के थ्रू आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है और
बस इतना ही इसका आंसर होगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। देखिए कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर दैन ट्वाइस द ब्रिज, वन मोर दैन ट्वाइस द ब्रिज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आप वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से देखा करिए और जो कम हो उसको हमको यह समझना होता है। ठीक है, तो जो इसकी ब्रेथ है वो मान लेते हैं यक्स, जो इसकी लेंथ है वो उसके ट्वाइस से एक ज़्यादा है, यानी वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ट्वाइस ब्रेथ मतलब ये ऐसा है। ठीक है, उसके दुगने से एक ज़्यादा है। ठीक है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो इस तरह से हमको तो पहले देखिए इसको आप मान लीजिए कि सेकंड का फर्स्ट नंबर है, लेंथ ब्रेथ इक्वल टू कितना, इक्वल टू एक्स, एंड लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन, उसके दुगने से एक ज़्यादा है, मतलब ट्वाइस से एक ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है, रेक्टेंगल इक्वल टू आपका दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर, सब ये मीटर में है ना। ठीक है, एक्स मीटर और ये भी मीटर में है। ठीक है, तो अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी इक्वल टू 528, तो एल इक्वल टू कितना है, टू एक्स प्लस वन है, और b इक्वल टू कितना है x, और इस तरह से ये 528 हो गया। अब इसका इसमें इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528 है, और इसको इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0 है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। यानी इसका बेसिक जो फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। सी की प्लेस पर यहाँ पर माइनस 531 है, बी की प्लेस पर एक्स है, बी की प्लेस पर यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, और ए की प्लेस पर 2 है। इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने के लिए अगली एक्सरसाइज जो रहेगी तो उसमें भी मैं बताऊँगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इसका आंसर देखिए आंसर आ गया कि नहीं आया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 500 x विड्थ ऑफ द प्लॉट इन द, तो ठीक है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। आंसर देखते रहा करिए, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं मिस्टेक हो जाती है, कुछ साइन छूट गया या कोई नंबर छूट गया, कभी कभी लिखने में भी गलती हो जाती है, तो उसको देख आंसर देखने से पता चल जाता है कि सही है कि नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखिए टू कॉन्स्टिट्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है हमेशा लगातार, जैसे आप गिनती पढ़ते हैं तो जैसे काउंटिंग में 1 आता है पहले, फिर 2 आता है, आप देखिए 2 क्यों आता है, क्योंकि 1 में हमेशा 1 ऐड होता है तब 2 आता है, फिर 2 में 1 ऐड होगा तो 3 आएगा, 3 में 1 ऐड होगा तो 4 आएगा। इस तरह से कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो होते हैं वो हमेशा, तो इसका मैं यहीं पर बता देता हूँ, सेकंड नंबर इसका ये है कि फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर भी एक्स, तो सेकंड क्या होगी, सेकंड नंबर क्या होगी, उसमें 1 प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 1 होगा। अब वहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 1306 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 306। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, और आपसे मेरे ख्याल से ये सब क्वेश्चन ये फर्स्ट एक्सरसाइज ही है, बच जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और
थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, रोहन मदर 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन इसका बताता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा दिक्कत होती है। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। रोहन की जो माँ है वो 26 ईयर ओल्ड है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है ना। अब देखिए, रोहन की जो माँ है वो 26 ईयर उससे ज़्यादा बड़ी है। मतलब रोहन ये जरा 5 साल है तो उसकी मम्मी क्या होगी, 5 ऐड कर दीजिए 26 में, तो यानी उसकी मम्मी जो होंगी वो 31 ईयर्स की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोलते हैं कि लेट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है, सेकंड का, यहाँ पे लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स एंड हिज मदर, मदर बी, मदर एज ऑफ हिज मदर एंड एज ऑफ, एज ऑफ हिज मदर विल बी एक्स प्लस 26। अब इसके बाद देखिए, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद। तो फ्रॉम नाउ में देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी मेरी एज 35 साल है और आपकी एज 15 साल है या 14 साल है, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ अब से 3 साल बाद मेरी एज क्या हो जाएगी, 35 प्लस 3 हो जाएगी, और आपकी एज क्या है, 14 प्लस 3 या 15 प्लस 3 हो जाएगी। दोनों में एज का जो 3 है वो दोनों में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज ऑफ, एज ऑफ रोहन यहाँ पर, एज ऑफ रोहन तो एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3 हो जाएगी एंड हिज मदर इक्वल टू, एंड हिज मदर इक्वल टू एक्स प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी, यानी एक्स प्लस 29 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि दोनों के एज का जो मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी फ्रॉम नाउ 360, यानी एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू आपका कितना है, 306 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए कैसे, इसका मैं जल्दी बता देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का इंटू एक्स में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स का इंटू 29 में 29 एक्स हो जाएगा, फिर 3 का इंटू एक्स में 3 एक्स हो जाएगा, और 3 का इंटू 29 में तो 3 9 27, और 3 2 6 और 2 8 हो जाएगा, 87 इक्वल टू 306 होगा। अब क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 29x और 29 और 3x कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32x और प्लस 87 माइनस 306 इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस माइनस है तो बटेगा, यानी 306 माइनस 87 तो ये क्या हो जाएगा, 16 में 7 है तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 9 में 12 1 आएगा, फिर 3 में 2 में 2 आ जाएगा, यहाँ पर 219 हो जाएगा। तो इसका अगला इक्वेशन जो बनेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस 32x माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ग्रेटर नंबर पे जो साइन है वो साइन आएगा, 219 इक्वल टू 0। अब आपका ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो यहाँ पर हो गया। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, और इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ए प्लेन ट्रेवल डिस्टेंस फ्रॉम द ए 480 किलोमीटर इन द यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें फाइंड करने के लिए आए रहिए, और इनको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होगा एक समान चाल से, मतलब एक बराबर चाल से चल रही है। जैसे अभी 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तो हमेशा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। ठीक है, इफ़ द स्पीड हैड 8 किलोमीटर लेस, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, देन इट टू हैव टेकन 3 आर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब अगर 480 किलोमीटर दूरी तय करने में पहले कुछ टाइम लेती थी, उससे 3 घंटे या 5 समय लेगी, 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी पहले के मुकाबले। तो यहाँ पर इसका इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा ये टफ क्वेश्चन होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं ये अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए यहाँ पर लिख देंगे स्पीड ऑफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था इसका, इफ स्पीड ऑफ या यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन लेट, यहां पर लिख दीजिए लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन x। ठीक है, अब जब उसकी x स्पीड होगी तो एक फार्मूला होता है कि टाइम इक्वल टू होता है, यहाँ पर देखिए टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फिजिक्स में है आपके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या टाइम इंटू डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इंटू स्पीड, या टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें इसका टाइम कितना होगा, तो आप टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट जब इस स्पीड से चलेगी तो उसका टाइम कितना होगा, कितनी डिस्टेंस कितनी है 480 है, तो 480 माइनस अपॉन एक्स होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हो गई कि इफ स्पीड लेस 8 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर होगा, किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे लिखिए कि इफ स्पीड लेस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो न्यू स्पीड इसको क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, न्यू स्पीड इक्वल टू हो जाएगी x माइनस 8, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8 आएगा। अब देखिए दोनों की जब इस स्पीड में चलती है तो उससे 3 घंटे ज़्यादा समय लेती है, यानी दोनों के स्पीड का जो डिफरेंस है टाइम का वो 3 आता है। मतलब ये ज़्यादा समय लेगी और ये कम समय लेगी, क्योंकि इसमें कम है स्पीड, तो दोनों क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके जो ज़्यादा है उससे क्या करते हैं, कम वाले को घटाने पर, यानी x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू आप 3 लिख लीजिए। ठीक है, यानी आप चाहें तो इधर 3 ऐड कर सकते हैं इसको ट्रांसफर करके, या तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 आएगा, ये बताना है। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पहले सीएम करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x इंटू x माइनस 8 आएगा, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 480x माइनस, इससे क्या होगा x कैंसिल हो जाएगा, तो 480 इंटू x माइनस 8
इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 480x माइनस, ये हो जाएगा 480x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 64 और 8 4 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा इसका, पहले एक बार इसका इंटू कर लीजिए फिर 3 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 38 40 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये कितना हो जाएगा 38 40 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x हो जाएगा। अब इसको आप इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 40 और इक्वल टू 0, ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसका आंसर चेक करिए कि इसका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप देखेंगे कितना आ रहा है यू स्क्वायर माइनस 8u। अब देखिए यू स्क्वायर माइनस 8u क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों में 3 कामन ले रहा है, देखिए u इसमें लिया गया है तो देखिए दोनों में हम 3 कामन ले लेंगे अगर, तो देखिए 3 कामन हो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस, ये इसमें क्या हो जाएगा 8x, फिर माइनस 3 1 3 3 2 6 और 3 6 24 और 0 इक्वल टू 0 आएगा। अब ये 3 इधर 0 जाके 0 से डिवाइड होके उसको 0 हो गया है, यानी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1260 इक्वल टू 0 आया, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है इक्वल टू 0, यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। उसमें u और x u लिया है तो उससे आपको घबराना नहीं कि x लेना है कि वाई, क्योंकि सब में एक्स लिए हैं तो यू अगर अलग से बता दें तो फिर उसमें दिक्कत होगी, तो आप एक्स वाई कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं, ए बी सी डी यू बी डी जो भी करना हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड में एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, तो एक्सरसाइज 4.2 चलेंगे आप, तो एक्सरसाइज 4.2 जो होगी वो क्या होगी, ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 जो है ये अगले वीडियो में करते हैं, क्योंकि कई लोग बोले कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो देखने देखते देखते बोर हो जाते हैं, तो इसलिए इसको अगले एक्सरसाइज में देखते हैं। बाकी मेरी तो इच्छा यही रहती है कि वीडियो लंबा हो, इससे आप अगर एक बार कंसंट्रेट हो जाएँ तो फिर इसको आप एक दो एक्सरसाइज कम से कम एक दिन में कर लें, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों की डिमांड है कि आप एक्सरसाइज को थोड़ा मतलब एक एक एक्सरसाइज पर कई पार्ट में वीडियो बनाइए, तो आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।